आज की जो हियरिंग थी वो रिबन डेवलपमेंट रूल्स जो कि गोवा दमन दीव हाईवे एक्ट 1974 के अंदर हम लोगों ने नोटिफाई की थी, जहाँ पे चार कैटेगरी ऑफ रोड्स, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स, इन चार तरह की सड़कों के लिए बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन को फिक्स किया गया था ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के थ्रू। इसी से संबंधित हमने ऑब्जेक्शन एंड सजेशंस इनवाइट किए थे और हमें काफ़ी सजेशंस भी मिले हैं, काफ़ी ऑब्जेक्शंस भी आए हैं। इन्हीं को लेकर के आज हियरिंग का प्रथम चरण हम लोगों ने संपन्न किया, जिसमें काफ़ी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया और जितने भी बचे हुए स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बुलाया जाएगा आगे। ये इस पर भी निर्भर करेगा कि नेक्स्ट हियरिंग में हम लोग एक पब्लिक हियरिंग करने की सोच रहे हैं, जिसमें हम कुछ पंचायत को क्लब करके या म्यूनसिपलिटी वाले एरिया को क्लब करके लोगों को बुला लेंगे, क्योंकि दीव से भी ऑब्जेक्शन आए हैं तो एक बार दीव से भी लोगों को बुलाना पड़ेगा। ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि कम से कम 6 से 7 हियरिंग्स इसमें करनी पड़ेंगी और उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और हियरिंग करेंगे। अगर तब तक सारे सजेशन हमारे पास आ जाते हैं और सारी बातें डिस्कशन हो जाती हैं, सारी बातों का फिर डिबेट हो जाती है, तो हम फिर उसके बाद हियरिंग को समाप्त कर देंगे। करीबन जो है 600 से ऊपर हम लोग को सजेशंस और ऑब्जेक्शंस मिले हैं, अलग अलग हैं। कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छे सजेशंस दिए हैं, कुछ लोगों ने सिर्फ ये दिया है कि हमें इस चीज़ को लेकर ऑब्जेक्शन है, तो इस तरह से टोटल मिला करके 600 से ऊपर है। लेकिन जहाँ तक टेक्निकल सजेशंस की बात है, करीब 30 के आसपास टेक्निकल सजेशंस भी हमको मिले हैं।